साथ में भी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये कांग्रेस में, राष्ट्रवादी कांग्रेस में काम करने से मुझे जो हमारे बौद्ध समाज है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 को दीक्षा दी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, और दीक्षा भूमि में लाखों लोग वहां पे आए और लाखों करोड़ों लोगों को वो दीक्षा दिए, और उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मेरा समाज एक साथ रहना चाहिए ऐसी घोषणा करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पक्ष की स्थापना की, और वो पक्ष से इस समाज में जो लोग हैं, समाज में जो हमारा बौद्ध समाज है, वो पक्ष के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो पक्ष के माध्यम से इस भारत देश में बड़े पैमाने पर वो अपना चढ़वल शुरू की। लेकिन कुछ हरामखोर लोगों ने, कुछ जातिवादक लोगों ने वो रिपब्लिकन पक्ष के टुकड़े कर दिए, और हमारा समाज आज बिखर गया है कि आज विधानसभा लोकसभा में आज बौद्ध समाज का, दलित समाज का, मुस्लिम समाज का ये कोई भी हमारा पदाधिकारी या कोई भी हमारा आमदार खासदार चुन के नहीं आता, ये आज की हमारी दयनीय स्थिति है। इसलिए मैंने मेरे पक्ष को लात मार के छोड़ दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को त्याग करके मैं इस विधानसभा में अपक्ष करके मैं खड़ा हूँ, और मुझे लगता है कि इस विधानसभा में मेरी जनता, मेरे उत्तर नागपुर की जनता, बौद्ध समाज, दलित समाज, मागास वर्गीय समाज, मुस्लिम समाज, ये सारे समाज का मैं 1990 से मैं उनका नेतृत्व कर रहा हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके हक के लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं इस बार खड़ा हूँ। देखा जाए कहीं ना कहीं बात की जाए तो आप अम्बेडकरी नेता के रूप में आपकी पहचान है, और उसके बाद देखा जाए तो अम्बेडकरी नेताओं ने कहीं ना कहीं अम्बेडकरी जनता को गुमराह करने का काम किया है, जिसका फायदा हमेशा जो है बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार या अन्य किसी पार्टी को होते रहता है। तो क्या लगता है कि अम्बेडकरी नेता जो है वो कहीं ना कहीं अम्बेडकरी जनता की दिशा भूल करने का, मतलब गुमराह करने का काम कर रहे हैं क्या? जो यहाँ पे पिछले 25 साल से उत्तर नागपुर से, ये उत्तर नागपुर हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का गढ़ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन दीक्षा दी उस समय सुबह लश्कर बाग आवड़े चौक से निकले, और वहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्वागत होके रथ पे बैठकर उनका स्वागत हुआ, और वो स्वागत करते कुटते दीक्षा भूमि में गए, और ये उत्तर नागपुर में आज पूरा जलजला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। लेकिन कुछ जो हमारे जो अभी तक जो आमदार बने, खासदार बने, मंत्री बने, इन लोगों ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके हमारे समाज को कहीं ना कहीं डचू दिया। हमारा जो उनका जो नेतृत्व जो दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे समाज का नेतृत्व दिया है, लेकिन उन्होंने समाज के प्रति ऐसा कोई भी उत्तर नागपुर के विकास के लिए काम नहीं किया। उलट इन लोगों ने, जो मंत्री था यहाँ पे, यानी पिछले 20 साल पहले से आमदार है, मंत्री है, पालक मंत्री है, उसने जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो नाम से जो जमीन थी, 130 एकड़ जमीन नारा की थी, वो नारा की 130 एकड़ जमीन इन लोग वहां इनके दलालों ने, इन्होंने दलाल नियुक्त किए, इनके दलालों ने वो 130 एकड़ में से 70 एकड़ जमीन वो बेच दिए। अपना यहाँ का जो अम्बाझरी का उद्यान है, आज अम्बाझरी का उद्यान, वहां पे हमारा उद्यान था, वहां पे हमारा समाज भवन था, लेकिन वो समाज भवन, वहां के कुछ कांग्रेसी लोगों ने वो समाज भवन उध्वस्त करके रातों रात वहां पे काम शुरू करने का काम किया, क्योंकि वो इनके यहाँ के जो आमदार थे, ये आमदार ने उसको सम्मति दिए, और सम्मति देके वो उन्होंने बेच दिए, वो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने बेच दिए। और दूसरी बात, ये अपना दीक्षा भूमि की बात है, दीक्षा भूमि की बात में वहां पे किसी ने कोई नहीं बोलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पे पार्किंग के लिए, वो हमारा जो पार्किंग की जगह है वहां पे पूरा उध्वस्त कर दिया। अरे ये समाज के लिए तुम उद्धारीकरण के लिए है कि उध्वस्त करने के लिए? उसी प्रकार जब डॉक्टर मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम देने के लिए कई आंदोलन निकले, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और उसके बाद शरद पवार साहब ने वो हमको अपने मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम दिया,
लेकिन कब दिया? जब संघर्ष करने के बाद कई लोग मर मिटे, उसके बाद में हमें वो नामांतर की घोषणा हुई। ऐसे अनेक प्रश्न है उत्तर नागपुर में जो विकास नहीं हो रहा, ये क्या है? सब मैंने सब दलाल नियुक्त किए हैं। देखिए बात की जा रमेश फुले जी, तो हाँ। उत्तर नागपुर के जो विद्यमान आमदार है उनका कहना है कि मैंने उत्तर नागपुर का सर्वांगीण विकास किया है, लेकिन बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में जो है आम्बेडकरी समाज के जो लोग हैं या आम्बेडकरी चढ़वली के जो लोग हैं वो नाराज है उनसे, चाहे उत्तर नागपुर की जनता नाराज हो। आज भी जो पहले 25 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही है, तो विकास किस हिसाब से इन्होंने किए? मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं ये विनोद भावे नगर के झुग्गी झोपड़ी के एरिया में रहता हूँ और यहाँ से मैं नेतृत्व उत्तर नागपुर का मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के आमदार खासदारों ने यहाँ पे जैसे कि आप उत्तर नागपुर में जो हमें जो डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पे अच्छी हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अच्छी सी स्कूल होना चाहिए, इंग्लिश माध्यम की स्कूल होना चाहिए, हमारे बच्चों को वहाँ पे खेलने कूदने के लिए हर वार्ड में हर गली में गार्डन होना चाहिए, व्यायामशाला होना चाहिए। हमारे यहाँ के जो उत्तर नागपुर से नाले बह रहे, बड़े बड़े नाले बह रहे, ये उत्तर नागपुर से पीली नदी का पट्टा बह रहा है, ये नागपुर शहर से उत्तर नागपुर से बौद्ध ये बुद्ध नगर से लेके ये अपना बहुत बड़ा नाला बह रहा है, ये इनके दीवारें कई सालों से टूटी है, ये सब बह रही है, उसकी जो गंदगी है, जो उसकी बुद्ध बदबू है, वो सब हमारी जनता ले रही है, कहीं तो भी जी रही है। यहाँ पे हमारा इतना बड़ा अपना कलम ना ये अपना कलम कमाल चौक में इतना बड़ा मार्केट है, वहाँ बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कोई प्रकार का मार्केट नहीं है, एकाधे उद्योग नहीं है। 25 साल से ये लोग आमदार बने हैं, मंत्री बने हैं, पालक मंत्री बने, लेकिन हमारे जो बेरोजगार है आज बेरोजगारी से जी रहे हैं और उनके लिए एकाधे उद्योग नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि भाई ये हम जब आएंगे या करेंगे तो ये उत्तर नागपुर के विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए किएंगे, हमारे जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनको रोजगार देंगे और हमारा उत्तर नागपुर हम चकाचक करेंगे, अच्छा करेंगे, इसमें अच्छा सा हॉस्पिटल बनाएंगे कि जाके हमारे उत्तर नागपुर की जनता, हमारी लाखों जनता वहां जाके वहां पे अपना ट्रीटमेंट किया जाए। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने हॉस्पिटल खोले, इतनी दयनीय स्थिति है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, दवाई नहीं है। अरे ये कोई उत्तर नागपुर का नेतृत्व करने की कोई ये नहीं है, सब अपन तुम सबको लूट रहे, तुम अपना ही लूट रहे। अरे लूटो लेकिन कम से कम थोड़ी सी शर्म करो और उत्तर नागपुर का विकास करो। उत्तर नागपुर का विकास के लिए ये रमेश फुले हमेशा खड़ा रहेगा, मरे तक के रहेगा, लेकिन उत्तर नागपुर का विकास करेंगे। एक बुद्धिजीवी व्यक्तिमत्व के धनी कही करके रमेश फुले जी को जाना जाता है और इस बार जो चुनावी दंगल हो रहा है, इस चुनावी दंगल में जो निर्दलीय आप खड़े हुए हैं, निर्दलीय खड़े इसलिए क्योंकि जनता की मांग है, जनता चाहती है कि इस बार जो है एक ऐसा व्यक्ति हमारे इस क्षेत्र को मिले जो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा को लेकर चलने वाला व्यक्ति हो और उत्तर नागपुर का विकास कर सके, इसके लिए आपको आपको इस चुनावी दंगल में उतारा गया है। क्या लगता है आप उनके विचारधाराओं पे, उनके आज्ञा पर जो है आप इस बार खड़े उतरेंगे? फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा लेके मैं 35 साल से उत्तर नागपुर में काम कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा, लेकिन कुछ लोग इसको बाधा डाल रहे, लेकिन मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का त्याग करके मैंने ये प्रणय किया हूं कि उत्तर नागपुर का विकास करने के लिए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का त्याग करके मैं अपेक्ष चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे को उत्तर नागपुर का सर्वांगीण विकास करना है। उनके मुद्दे को लेके आप चुनाव में लड़ रहे हैं? मैं पहला मुद्दा यह है मेरा कि सुशिक्षित बेरोजगार करोड़ों लोग पड़े हैं, सुशिक्षित बेरोजगार आज नागपुर शहर में नहीं लेकिन उत्तर नागपुर में सुशिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा हमारे उत्तर नागपुर में सुशिक्षित बेरोजगार है, उनको रोजगार देने का परिपूर्ण मैं काम करूंगा। आज भी मेरे पास में 3,500 लोग काम कर रहे हैं और दूसरी बात हमारे महिला हर वार्ड में हमारे महिलाओं के लिए उनको शौचालय नहीं है, उनको बाल संगोपन के लिए कई ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो महिलाओं के लिए बाल संगोपन केंद्र या उनको कहीं स्वच्छता गृह ऐसा हर वार्ड में ऐसा मिलना चाहिए, हर वार्ड में अच्छा सा गार्डन होना चाहिए उनको, और वो गार्डन सिर्फ गार्डन नहीं होना, गार्डन में आधुनिक सुविधाएं होना चाहिए, वहां पे हर बच्चे को हर महिलाओं को हर नागरिक को वहां पे व्यवस्था अपनी एक्सरसाइज करने की व्यवस्था होना चाहिए। उत्तर नागपुर में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है कि आज भी हमारे ये एरिया में जाएंगे ना, ये यशोधरा नगर के ऊपर में जाएंगे, ये झोपड़ पट्टियां बैठी है वहां पे मैडम, वहां पे नल की लाइन नहीं है, ऐसे ड्रम डाले हुए हैं,
और वो कॉर्पोरेशन वाले आते हैं और वो ड्रम में पानी छोड़ते हैं ऐसा। लेकिन आप जो ये वर्ड बोल रहे हो तो यहाँ पर विद्यमान आमंदार जो यहाँ के है विधायक है उनका कहना है कि हमने सर्वांगीण विकास किया है, हमने क्षेत्र का जो है चेहरा मोहरा बदल दिया। अरे क्षेत्र का विकास किया तो ये हमारी जो जनता है, आप देखो ना, ये गरीब नवाज नगर, प्रवेश नगर, ये यशोधरा नगर और ये अपना आदरी माधरी का जो रोड है, यहाँ पे आप चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे ऐसे पाइप डाले हुए हैं और ऐसे पाइप डाल डाल के वो हमारे गोर गरीब जनता वहां से ड्रम में पानी लेकर रोज अपना उधर निर्वाह करते। मतदारों को क्या आह्वान करना चाहोगे? मैं मतदारों को ये आह्वान करना चाहूंगा कि उत्तर नागपुर का विकास करने के लिए, उत्तर नागपुर के बच्चे को सुशिक्षित करने के लिए, उनको रोजगार मिलने के लिए मैं उत्तर नागपुर से खड़ा हूँ और उत्तर नागपुर की जिम्मेदारी आज मैं खड़ा भी हूँ, अगर चुन के आऊ या नहीं आऊ, लेकिन मैं जैसा पहले से काम कर रहा हूँ वैसा उत्तर नागपुर के विकास के लिए, सर्वतोपरि विकास करने के लिए मैं उत्तर नागपुर से खड़ा हूँ। मैं यही जनता को आह्वान करूंगा कि कृपया आप मुझे चुन के दो, एक बार मुझे चुन के दो, अगर नहीं भी दिए तो भी मैं उत्तर नागपुर का काम करूंगा और उत्तर नागपुर का मैं विकास करूंगा, यही मैं जनता को बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।